फायदा उठा रहे हैं। ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से है या ये कोई प्राइवेट कंपनी है, बहरहाल जो भी है एक अच्छा कदम है कचरा उठाने के लिए। बड़ी अच्छी गाड़ियां यहाँ पर इन लोगों को मिली हैं। अभी कितने अरसे तक रहती हैं ये उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते भाई, कितने अरसे तक रहेंगी ये इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है यार, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या सवाल है? कचरा इतना सा है, इसको उठाने के लिए बंदे जो है वो 5 मौजूद है, जिसमें से 2 कचरा उठा रहे हैं, 3 मशवरा कर रहे हैं कि कचरा कैसे उठा। काम 2 कर रहे हैं, एक ड्राइवर होगा इसमें से यकीनन। और ये जो ब्लैक पैंट और शर्ट में खड़ा है ये कौन हो सकता है? अब ये 2 या तो सुपरवाइजर होंगे या इंचार्ज वगैरह होंगे। अब ये दोनों खड़े, तीनों खड़े होकर के सिर्फ ये बातें कर रहे हैं कि कचरा उठाएं कैसे, किसमें पहले किसको किसमें डालें, जो कचरे को डब्बे में डालें या डब्बे को कचरे में डालें, ये इनके समझ में नहीं आ रहा। जो पुरानी गाड़ियां थी वो उसकी क्या हालत थी? मतलब वो पुरानी गाड़ियां तो सब बेच बाज दी उन्होंने, खा गए सब पुर्जे उसके निकाल के। उसमें इस तरह के एम्प्लॉयर थे काम करने वाले? ये मुझे तो प्राइवेट लग रहे हैं। नहीं नहीं, उसमें ऐसे वर्दी ही थे ना, लड़के ही थे ना कचरा उठाने वाले, उनको बेचारों को तनख्वाही नहीं मिलती थी। ठीक है, अच्छा उससे पहले, उससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आप उससे पीछे इतना पीछे जाएं कि आगे एक होता पीछे गाड़ी, फिर ठीक होता गाड़ी हो गई, फिर उसके ऊपर एक बड़ा सा उन्होंने कुछ डब्बे टाइप रखा हुआ होता था, उससे एक बंदा उतरता था बास्केट लेकर और वो अपने बेलचे से कचरा डालता था। 5 मिनट भी नहीं लगाता था, ये डाला और ये खोता गाड़ी लेके। वो खोते इतने काम के थे, मुझे नहीं लगता कि गाड़ियां काम की है, वो खोते ज्यादा काम के। खोते तो ये भी इनको भी तो खोता ही बनाया हुआ उन्होंने तो, मगर ये खोते स्लो वर्किंग पे है ना, वो खोते फास्ट वर्किंग पे। इनका साबुन स्लो है, साबुन स्लो धोते जाओ धोते जाओ, कचरा उठाते जाओ उठाते जाओ। वैसे कोशिश अच्छी है, कोशिश अच्छी है, गाड़ी अच्छी है, जो ये काम कर रहे हैं वो अच्छे हैं, मगर शायद ये जो काम करने वाले हैं ये सही नहीं है कि इनको गाड़ी भी तो ऑपरेट करना ढंग से नहीं आ रही है ना, ये कुछ दिन के बाद ये जवाब दे जाएगी गाड़ी, फिर इसका एक एक पार्ट इंजीनियर खड़े हैं इसके अंदर, और फिर जो इसका एक एक पार्ट होगा वो सेल आउट सब बेच देंगे। अच्छा कचरा भी इधर का ही उठ रहा है बस, वे इसी एरिया से मोहब्बत है बस, रखा हुआ सिर्फ वो कचरा उठेगा। अभी देखिए कहाँ तक कचरा है, बराबर में कचरा है, वहाँ से ये कचरा नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे इसीलिए डब्बे के पास बाद जहाँ जाएंगे डब्बे लगाए ना वहाँ से ये कचरा उठाएंगे। आधा घंटा हो गया तकरीबन, आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से देख रहे हैं हम यहाँ खड़े हुए, ठीक है यहाँ खड़े खड़े देख रहे हैं आधे घंटे से। अभी देखिएगा ये कचरे का आधा भी डब्बा इन्होंने नहीं भरा है, अब उसको लगाएंगे फिर दोबारा से वो भरेंगे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे थे, अभी ये वो पीछे से वो ऑपरेट करके उसने अब देखें यार ये तोप से चिड़िया मार रहे हैं देखो कितना सारा कचरा डाल दिया ना। एक मुहावरा होता ना, जब मैंने बोला तोप से चिड़िया मार रहा तो ये वो काम कर रहे हैं। अकलमंदी देखो यार, पहले डब्बे में डाला, अब तुमने ढक्कन बंद कर दिया, कमाल हो गया। अब ये ढक्कन को थोड़ी देर के लिए खुला रखो, जो रिवायती तरीका उसी तरीके से उसको उठा करके उसके अंदर डाल दो डब्बे में, या मशीन कबूल नहीं करेगी शायद मना कर दी। नहीं नहीं, कचरा अंदर जाके पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं ना कचरे को, ये कचरा उठाया अभी, कचरा जितनी भी स्पेस नजर आ रही है ना वो पीछे जाएगा कचरा। मैं यही तो कह रहा हूँ, जो स्पेस नजर आई है उसी कचरे को हाथों हाथ उसमें डाल दें, पहले डब्बे में भर रहे हैं, फिर डब्बे को उसके ऊपर लगा के फिर उसके अंदर डाल रहे हैं। हाँ, बात तो सही है, जैसे ये बेलचे से कचरा उठा के डायरेक्ट उसमें डाल दें। पहले जो डब्बे में पड़ा हुआ था वो तो चलो समझ में आता है कि भारी था, आपने डाल दिया। सही सही सही, थोड़ा सा कचरा पहले डब्बे में भरा फिर डब्बे को उसके अंदर लगाया। तो अगर ये सवाल हम इनसे करें डायरेक्ट तो कैसा रहे? अब देखो अभी कचरा ये बाकी जो कचरा ये कौन उठाएगा, यही पे छोड़ के चले जाएंगे। ये सफाई हुई है हमारी, ये सफाई हो गई है माशाल्लाह, जबरदस्त क्लीनलीनेस, क्लीन लतीफा बात। या तो ढक के जाएंगे इसको, ये नहीं नहीं कुछ तो कर रहे हैं, देखें ये सफाई का, या तो यहाँ बैठना होगा। अच्छा अच्छा, आप कचरा इसके अंदर उठाएंगे, समझे बात को, तमीज के साथ कचरा उठा रहे हैं यार, कितनी तमीज के साथ उठा रहे हैं आप, ये देखें ना मुझसे गलत।
नफासत देखे आप। हम हर चीज को असल में पाकिस्तान हम हर चीज तमीज से करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम हर चीज को इसी अंदाज में देखते हैं ना कि ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हमारी गलती, हमारा माइंड बन गया ऐसा, क्या करें, हमारा दिमाग ऐसा बन गया ना। अभी सोच रहे हैं इन्होंने हमारी बात सुन ली है सर, ये अच्छा माइंड सेट लेकर आए। नहीं नहीं, इन्होंने हमारी बात सुन ली कि डब्बे में नहीं डालते हैं, आप ऐसा करते हैं कि उसमें भर के बैरिक उसमें डाल देते हैं। ये देखो ये काम पहले कर लेते हैं आप, करेंगे कचरे की तो ये काम पहले कर लेते। ये कचरे की डंगा डोली की उसमें डाला, जबरदस्त हो गया काम। ये काम ज्यादा अच्छा हो, वो डब्बे को 5 किलो के डब्बे को ऐसे खींच रहे थे। ये बाकी कचरे का क्या करेंगे, देखें। उसने तो फोल्ड कर दिया कट्टे को, उसने तो उसको कर दिया फोल्ड, डेली उसने रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, कभी बाकी कचरा नहीं उठाएंगे। नहीं, अभी कल उठाएंगे, अभी थक गए, पौन घंटा लगा दिया इन्होंने काम करने में। कितनी खुशी का इजहार करना, कचरा उठा लिया। वाह वाह, मेरा ख्याल है कि कचरा उठाने के लिए गाड़ी भी आई है, कार में भी वेट कर आए हैं। ये देखें, ये सुपरवाइजर है, ये सुपरवाइजर है, पता नहीं कौन है। लतीफे बात की, कचरे की इतनी में वैल्यू हो गई क्या, सोने का कचरा हो गया। अरे हम एक मरतबा पर गलत साबित होने जा रहे हैं लग रहा है। वो क्यों, ये वो वाला कचरा भी उठा रहे हैं। चले तो कमाल हो जाए, कचरा ज्यादा सारा ही आज ही उठेगा। अरे हाँ, ये कचरा भी उठेगा, ये कचरा भी उठेगा। अभी देखिए ये आदमी कितना खुश है, जितना कचरा उठाया अब उसकी तस्वीर ले रहा है, तस्वीर बनाई उसने, देखो मुबारक, कचरा उठ गया, कचरा उठ गया। चले जी, अबे नहीं एक मिनट भाई, ये देखे जा रहा है कचरा उठेगा भी या गाड़ी निकल जाएगी बाहर। हमारी सोच कैसे गलत हो सकती है। ये देखिए, जितना इनका मकसद था कचरा उठाने का उतना ही उठाया है। जहाँ डब्बा रखा था बस ये वही कचरा उठाएंगे। ये बस अभी जो डब्बा रखा हुआ है ना, कौन है ये, SSWMB वालों का जो भी ये डब्बा, तो ये जो रखा है बस उसके अंदर जो कचरा डालेगा तो हम उठाएंगे, अदरवाइज ये कचरे की कोई वैल्यू नहीं है, कचरा ऐसे ही रखा रहेगा। ओके जनाब, बाकी कचरा नहीं उठा रहे हैं। चलिए जी, आज की इतना ही काफी है। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लतीफाबाद।